नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही आई सामने। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नहीं दी विदेशी यात्रियों की जानकारी। 1 से 30 नवंबर तक यात्रा करने वालों का मांगा था ब्यौरा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 दिनों बाद अभी नहीं हुआ कुछ। जबलपुर से बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की सख्ती। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नहीं दी विदेशी यात्रियों की जानकारी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 से 30 नवंबर तक यात्रा करने वालों का मांगा था ब्यौरा, 10 दिनों बाद भी नहीं मिली सूची, लिस्ट नहीं मिली है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 से 30 नवंबर तक यात्रा करने वालों का मांगा गया था ब्यौरा, लेकिन अब इसकी जो लिस्ट है वो नहीं सौंपी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही आई सामने। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब लिस्ट मांगी गई थी तो आखिर अब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? बिल्कुल सचिन, देखिए बड़ी लापरवाही है और ऐसे समय पर ये लापरवाही है जब पूरा देश में अलर्ट है और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको लेकर ये अलर्ट है और सभी जो विदेशी यात्री हैं उनकी कहीं ना कहीं जांच होनी है। और 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का ये डाटा जो है वो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा मंगा गया था एयरपोर्ट प्रबंधन से, लेकिन आज 10 तारीख होने को आ गई है दिसंबर, लेकिन अभी तक ये डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया। बड़ी लापरवाही है क्योंकि किस तरीके से इन सारे लोगों की कहीं ना कहीं जांच की जानी है, क्या इनका स्टेटस रहा, क्या रिपोर्ट रही, ये सारी चीजों की जांच जो है स्वास्थ्य महकमे को करनी है। और जबलपुर में पहले ही एक जर्मन नागरिक जो है वो पॉजिटिव पाया चुका है कोरोना का, जिसका जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एक मरीज एक और विदेशी नागरिक की जांच जो है वो की गई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है एयरपोर्ट प्रबंधन की। कई बार स्वास्थ्य महकमा मांग चुका है डिटेल, लेकिन अभी तक दी नहीं गई। एयरपोर्ट प्रबंधन जो है स्वास्थ्य महकमे को ये कह रहा है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके पास डेटा है, और क्योंकि एयरपोर्ट के पास ऐसा कोई डेटा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य महकमे को सारी लिस्ट की जरूरत है। अच्छे सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक जो है पिछले 1 महीने में शहर आए हैं, और इनका क्या स्टेटस रहा है, कहीं किसी प्रकार की किसी को समस्या तो नहीं थी, कहीं क्या रिपोर्ट उनकी हुई थी, ये सारी जांचें जो है वो इनकी कहीं ना कहीं की जानी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार पत्राचार जो है वो एयरपोर्ट प्रबंधन से कर रहा है। लेकिन अब जो है एयरपोर्ट प्रबंधन कहीं ना कहीं जिस तरीके से झुलमुल रवैया अभी तक सामने आया है कि ना तो किसी प्रकार की जानकारी साझा की है, और ना ही एयरलाइन कंपनियां जो हैं जिनके पास डेटा है उनको ये बोला गया कि स्वास्थ्य महकमे को ये पूरा डाटा उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम लापरवाहियां हो ही रही हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लिस्ट तो सामने नहीं आई तो कहीं ना कहीं जो सख्ती बरतनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं बरती जाएगी, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सचिन, सही कहा आपने, जिस तरीके की लापरवाही है कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है जिस तरीके से जो डाटा है वो साझा करना चाहिए स्वास्थ्य महकमे के साथ, कई बार पत्राचार के बावजूद जो है 10 दिन से ज्यादा हो चुका अभी तक डाटा की जानकारी जो है कितने विदेशी यात्री कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, कहीं उन जगहों से तो ये यात्री नहीं थे जहाँ कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो पाया गया है,
कहीं वो किसी प्रकार से संदिग्ध तो नहीं है, तो ये पूरी जांच की जानी थी, क्योंकि सेकेंड वेव में जबलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, ज्यादा मौतें जो है वो शहर जो हुई थी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं तीसरी लहर की संभावना की तैयारी जो है वो जबलपुर में की जा रही है, और ऐसे में कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए इस बात का ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य महकमा इसीलिए लगातार जिस दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर आप बनाए रखे, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।